कॉलेज का टाइम काफ़ी अच्छा होता है और सब चाहते हैं कि हमारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ऐसे सब की इच्छा होती है। लेकिन इतना इजी तो नहीं है क्योंकि आपको करना होता है थोड़ा सा एफर्ट, पर ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। चलो सारे स्टेप फॉलो करो। अरे दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आपको हमारी वीडियो पे जो भी कमेंट मिलते हैं, जो भी आपको टिप्स मिलती है, वो 100% जो है काम करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर पाने के लिए सबसे पहले चाहिए आप प्ले स्टोर पे, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए कॉल मी फोन ऐप और उसके बाद आपको करना है मेरा आईडी सर्च। तो मेरा आईडी है आरोहीवर्ल्ड@cm4 और जस्ट कॉल मी। कॉलेज का टाइम यानी टीन, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बता दूँ कि टीनेजर्स को ना उतनी समझ नहीं होती कि वो अंदरूनी यानी फिर इंटरनल उनका हार्ट देखे, उनकी फीलिंग देखे, वो तो बस दिखावे में जाते हैं। ये बात 110% सही है कि टीनेजर में उतना समझ नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत। लेकिन हाँ, आपको यही दिखावे का फ़ायदा उठाना है, यानी कि आपको करना है अपने ड्रेसिंग सेंस पर थोड़ा ध्यान देना है। अपने आप को थोड़ा बंद करके जाया करो, जब भी जाओ आप में से खुशबू आनी चाहिए। और जी हाँ, आपको कभी इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप उसके सामने जाओ, जानबूझ के ही सही, तो आप उसे हाय हेलो ज़रूर कहो, उसके बारे में ज़रूर पूछो। अगली चीज़ है कि उसकी हेल्प ज़रूर करें। अरे कई तरह की हेल्प होती है, आपको हेल्प करनी है। और हाँ, आपको बता दूँ कि आप उसे एंटरटेन भी कीजिए। कहने का मतलब है कि आप हमेशा सीरियसनेस वाली बातें ना करें और डायरेक्ट फ्यूचर वाली प्लानिंग मत करना हो। एक दिन तो वो नहीं पटेगी यानी नहीं इंप्रेस होगी, क्योंकि कोई भी मुसीबत नहीं चाहता सर पे पहले। सबसे पहले वो आपको जानेगी। सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको उसको घुमाना फिराना, यानी थोड़ा तो उससे फ्रेंडशिप करो और अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, जैसे कि वो आपके सामने रोए तक। कहने का मतलब है कि अपने दिल की सारी बातें जो शेयर करें, इतनी क्लोजनेस उससे लानी है। आपको उसे क्यूट नेम देना है और बहुत क्यूट क्यूट सी बातें करनी है। लड़कियों को क्यूट बातें और जी हाँ, तारीफ़ें काफ़ी पसंद होती है। कोई भी लड़की अपने आप को परी समझने लगती है कि उसकी थोड़ी सी तारीफ हो जाती है। और अगर आप उसकी डेली भर की तारीफ़ करोगे तो आपकी तारीफ़ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो कभी कभी तारीफ़ किया करो, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव से तारीफ करना। आपको गिफ्ट्स देनी है। अब थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। उसके बर्थडे या फिर यूँ ही उसके लिए चॉकलेट्स ले जाया करें या फिर उसकी फेवरेट चीज़ जो भी उसे पसंद है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई और तो नहीं आ गया। अरे नज़र रखो, वरना बहुत शिकारी बैठे हो यहाँ पे, तो शिकार ना करके गिर जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा नज़र रखनी है और उसकी गुड फ्रेंड बुक लिस्ट में आपको ज़रूर आना है। तो गुड लिस्ट में ज़रूर आए और हमेशा ख्याल रखिए। कन्फर्म है कि वो आपसे इम्प्रेस ज़रूर होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कहना। और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपकी कॉलेज लाइफ में कोई थी या फिर अभी आपकी कोई क्रश है क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर पाने के लिए सबसे पहले चाहिए आप प्ले स्टोर पे, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए कॉल मी फोन ऐप और उसके बाद आपको करना है मेरा आईडी सर्च। तो मेरा आईडी है आरोहीवर्ल्ड@cm4 और जस्ट कॉल मी।